हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक पंकज गेमिंग आर चैनल। तो भाई लोग, आज फिर से खेलेंगे फार्मिंग सिमुलेटर 22। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो भाई जाके देखना है कि ये देखो क्या बेड़ा गर्क किया हमने। तो आपने नहीं देखा तो भाई जाके देख लेना कैसे ये क्या हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा। बाकी कंपनी देखो यार कैसे घिर चुकी है। और भाई आज फिर से हम निशु देसवाल के ट्रैक्टर को कष्ट देने जा रहे हैं। तो फाइनली भाई अपने पास में रहते हैं निशु देसवाल भाई, तो उनका ट्रैक्टर फिर आज मांग के लेके आया हूँ। वो घर में नहीं थे तो मैं भाई ले आया था, क्योंकि पिछली बार भी भाई इसने हमारी कंपाइन को निकाला था, क्योंकि सभी ट्रैक्टर हार गए। तो भाई ये है, और टोचन यहाँ पे कहीं था, ये रहा टोचन। और भाई अपने दूसरे ट्रैक्टर निकल चुके हैं, एक बार दिखा दूँगा आपको मैं जाके। ये देखो ये निकल चुके हैं यहाँ पर खड़े। अरे यार इसकी लाइटिंग किसने जला दी। तो यार मैं भाई इसको कल गया था जेंसी में, तो भाई मुझे न्यू हॉलैंड 3630 बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था वहाँ पर, स्पेशल एडिशन वाला सिंपल ट्रैक्टर। तो मैं सोच रहा हूँ यार उसको बाय करूँ। ये भाई तेल तो कम पीता है, पर यार भाई हल्का ट्रैक्टर ना, इस वजह से मैसी। तो कमेंट में बता देना, नहीं तो भाई कल ले आएंगे यार, क्योंकि जेंसी वाले से तो बात हो चुकी है भाई, उसके बदले में ट्रैक्टर दे देगा। थोड़े से पैसे डाल के ना मैसी को दे देंगे और ले आएंगे न्यू हॉलैंड 3630। तो उसके पीछे भाई तूड़ी वाली मशीन डालेंगे। चलो कोई नहीं, बात छोड़ते हैं और इसको निकालने की कोशिश, आपको दिखाई देता हूँ एक बार। आप बोलोगे कि भाई खुद फंसी हुई है नहीं है, तो आपको दिखा ही दूँ यार। और भाई लाइट नहीं आज यार, लाइट के बिना ठीक है, आपको दिखा दूँ। ये देखो भाई बिल्कुल भी मतलब कि चल नहीं रही है। ये देखो ये, अरे भाई निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई। ये देखो फंस गई ना भाई फिर से, पता नहीं भाई क्यों नहीं निकल रही है यहाँ से। अब निकल गई हो, शुक्र है भाई, शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है भाई। अभी निकालना भाई मुश्किल है यहाँ से, कोई नहीं इधर तो टोचन डाल के निकालेंगे। ये तो बढ़िया हो गया भाई की, कल भाई फंस गई थी, कल निकल नहीं रही थी, आज एकदम निकल गई। चलो कोई नहीं, बढ़िया अपने लिए। तो यार फिर इसका स्टीयरिंग वाला सिस्टम कैसे है? चलो छोड़ो, तो यहाँ से निकालनी तो पड़ेगी ही। यार कैसे निकालूं समझ नहीं आ रहा इसको। तो फंस गई, निकल गई निकल गई निकल गई भाई। ट्रैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी टोचन डालने की। ओ भाई निकल गई निकल गई निकल गई। ओ भाई शुक्र है टोचन डालने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। तो ये लो भाई फाइनली अपनी नई कंपाइन आ चुकी है। तो भाई कल नहीं निकल रही थी यार, मैं भाई ऐसे ट्रैक्टर ले आया यार, एकदम से निकल गई। चलो होता है ऐसा ऐसा। तो बाकी न्यू देसवाल का ट्रैक्टर हम ऐसे निभाई देंगे अब ओ, ओ, ओ ऐसे नहीं देंगे आगे भाई घर पे। अभी उसकी टेस्टिंग टूस्टिंग हम करेंगे भाई अच्छे से। पहले तो आइसर के पीछे देखते हैं भाई चलता है कि नहीं थोड़ी वाली मशीन। अब हुआ ना सेट बैठा, ये तो बढ़िया हो गया भाई। टोचन डालने की हमें जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो
लो भाई अब चलाते हैं भाई इसकी मशीन। और अब तो आयसर एकदम बढ़िया खींच रहा है यार। ये भाई सील ना हो जाए यार ट्रैक्टर बंदे का। हमने भाई एक गेड़े लगाने के लिए रखा था ये। पीटीओ तो घुमा दी भाई। ओए ओए भाई ये तेल का खर्चा ना बचा ले यार इसके साथ। ये एकदम बढ़िया खींच रहा है यार। बढ़िया खींच रहा है भाई आयशर यार। 245 है या 42 है यार। इतनी बढ़िया पावर यार इसकी तो। अब बंद हो गया। अरे यार बढ़िया भाई खींच रहा है यार ट्रैक्टर देखो तो सही। अरे ये कि भाई ये रेडिएटर वाला नहीं होता ये जल्दी गर्म हो जाएगा इस वजह से भाई ज़्यादा देर हम चला नहीं सकते इसके साथ। और भाई ट्रैक्टर की ऐसी की तैसी हो जाएगी तो इसको हिसाब से चलाना पड़ेगा। एक तो ओए ओए भाई सामने एक गया। ये अब पता लगेगा। हो गया ना बंद। लो भाई एकदम बढ़िया भाई। सिंपल और सिंपल भाई ट्रैक्टर सिंपल है ना। अपना काम चलना चाहिए हमें तो क्या यार। भाई ये गर्म हो गया गर्म गर्म ट्रैक्टर जो अपना गर्म हो गया गर्म। सुई भाई इसकी कहाँ चल गई। बढ़िया यार बढ़िया काम कर रहा है भाई आयशर। उम्मीद नहीं थी कि यार खींच देगा यार भाई इतना छोटू सा ट्रैक्टर भी कमाल करता है यार। गजब है भाई गजब ट्रैक्टर। इसका इंजन तो हम खोल देंगे भाई। थोड़ी सी दूरी बना ही लेते हैं भाई इसके साथ बाद में देखते हैं। कल लाएंगे न्यू हॉलैंड 36 भाई अपना प्रोटेक्टर देखे। ऐसे ही मुझे सही नहीं लगा यार एजेंसी में है भाई वो खड़े हैं दो दिन थोड़े पुराने मॉडल के ट्रैक्टर है। न्यू हॉलैंड तो मुझे नया लगा भाई 855 भी है भाई वहाँ पे
न्यूलैंड का तेल का खर्चा भाई कम है इसलिए, और भाई 12 भी खाएगा न्यूलैंड भाई। ठीक है भाई घर आ गया अपना, और ये कर दिया भाई आयशर हमने बंद। अब चक्कर भाई ऐसा है कि ट्रैक्टर तो चल रहा है बढ़िया, पर आपको पता है फिर इंजन सील हो गया तो भाई इसके पैसे भी देने पड़ेंगे। बाकी तूड़ी बनाई बढ़िया भाई, कोई सफाई बिल्कुल मतलब बढ़िया सी की है यार ट्रैक्टर ने, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं। तो यार मैं भाई सोच रहा हूँ इसको सेल करके ना यार न्यू हॉलैंड ले आऊँ यार मैं कंपनी में ना, इसको अट्टा बट्टा मतलब समझ रहे हो भाई, अट्टा बट्टा करेंगे। ये ट्रैक्टर तो सही है पर छोटा यार, उस वजह से भाई अपनी तूड़ी वाली मशीन सही चल नहीं रही यार, दबता है भाई ट्रैक्टर ये। तो जाना पड़ेगा भाई एजेंसी में, जाएंगे कल जाएंगे इसको छोड़ के ना भाई न्यू हॉलैंड ले आएंगे, बंदे को थोड़े से पैसे देंगे। अब पैसों का लेन देन बाद में होगा, पहले चला के देखेंगे। तो ये है भाई ट्रैक्टर और आगे कंबाइन, ये ट्रॉली भाई नहीं। तो वीडियो यहाँ पे खत्म करते, कैसी लगी कमेंट में बताना भाई, लाइट नहीं है इस वजह से वीडियो थोड़ी कम बना रहा हूँ। तो मिलते हैं कल नई वीडियो लेके, तो जय हिंद वंदे मातरम।